हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं मोनिका, आपकी मैथ ट्यूटर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय के बारे में, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने बात की कि जो ज्यामिति ज्योमेट्री है उसका विकास किस तरह से हुआ, और यूक्लिड जो कि महान गणितज्ञ थे उन्होंने कौन कौन सी अवधारणाएं कॉन्सेप्ट दिए ज्यामिति से रिलेटेड, जो कि बिल्कुल बेस है हमारी ज्यामिति का। तो उन्होंने हमें बताया कि कुछ टर्म्स पद ऐसे होते हैं जिनको हम परिभाषित कर सकते हैं और कुछ पद ऐसे होते हैं जिन्हें हम परिभाषित नहीं कर सकते। उन्हें उन्होंने कहा कि ये कैसे पद है, ये अपरिभाषित पद है। उसमें हमने जो पढ़े वो तीन मेन थे, एक बिंदु, पॉइंट, रेखा, लाइन और समतल, प्लेन, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर यूक्लिड ने कुछ अभिग्रहित दी और कुछ अभिधारणाएं दी, एग्जाम्स के बारे में बताया और पोस्टुलेट्स के बारे में बताया। मैंने आपको बताया था कि कथन क्या होता है, स्टेटमेंट होता क्या है। तो कथन वो होता है जो या तो बिल्कुल सही होता है या फिर बिल्कुल गलत होता है, उसे हम क्या मानते हैं, स्टेटमेंट मान के चलते हैं। तो यूक्लिड ने जितने भी स्टेटमेंट थे जो कि बिल्कुल सही थे उन सबको लेके क्या करा, उन्हें अभिग्रहित और अभिधारणाओं में डिवाइड कर लिया। अभिग्रहित उन्हें तब कहा गया जब उनका यूज हम किस में करते हैं बच्चों, बीजगणित में करते हैं, और ज्यामिति में जिनका यूज होता है उन्हें हम कहते हैं अभिधारणाएं। तो मैंने आपको अभिग्रहित भी समझाए और अभिधारणाएं भी हम कुछ पॉइंट कर चुके हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जो हमारी अभिग्रहित है उसमें मैं आपको चार पॉइंट बता चुकी हूँ। पहला हमने पढ़ा कि अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम रेखा खींचते हैं, ठीक है, एक बिंदु की दूसरे बिंदु को हम मिलाते हैं तो हमें एक सीधी रेखा मिलती है, ठीक है। जैसे एक बिंदु ये ए है और दूसरा ये बी है, तो इसको इससे मिलाने से हमेशा क्या मिलती है, एक सीधी रेखा मिलती है। ये हमारा पहला अभिधारणा थी। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई शांत रेखा है तो इसे हम दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसे हम कहीं तक भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास कोई एक बिंदु है जिसे हमने केंद्र मान लिया है और एक हमारे पास त्रिज्या है, तो हम उस केंद्र से क्या कर सकते हैं, एक वृत्त खींच सकते हैं। आपको पता है बच्चों, वृत्त खींचने के लिए हमें केंद्र पता होना चाहिए और एक त्रिज्या पता होनी चाहिए, तो हम वो वृत्त खींच सकते हैं। फिर हमने फोर्थ जो हमारा अभिधारणा थी उसमें बताया कि जितने भी समकोण होते हैं वो सारे आपस में बराबर होते हैं, सभी में कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये चार अभिधारणाएं मैं आपको लास्ट लेक्चर में करा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे पांचवी अभिधारणा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसको पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं यूक्लिड की पांचवी अवधारणा के बारे में। मैंने ये तीन केस लिए हैं, ठीक है, पहले मैं इसको आपको डायग्राम से समझा देती हूँ। पहले केस में क्या है, मैंने दो रेखा ली है ए बी और सी डी, उसे तीसरी रेखा पी क्यू जो है वो काट रही है और यहाँ पे कुछ कोण बना रही है, ये थीटा वन है, ये थीटा टू है। अगर ये थीटा वन और ये थीटा टू ये भी 90 डिग्री हो, ये भी 90 डिग्री हो, मतलब ये बिल्कुल इस पे लंबवत हो दोनों लाइन पे और 90 डिग्री का कोण बनाए, तो केस वन क्या हुआ हमारा, अगर हम इन दोनों कोण को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। दूसरे केस में क्या है, इसमें भी दो रेखाएं हैं और तीसरी रेखा इसको काट रही है। अब ये जो कोण बन रहा है, मान लेते कि जो थीटा वन बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है और थीटा टू जो बन रहा है वो 100 डिग्री बन रहा है, तो थीटा वन और प्लस थीटा टू कितना होगा बच्चों, 190 डिग्री, जो कि बड़ा है किससे, 180 डिग्री से। एक केस हमारे पास ये हो गया। तीसरा केस हमारे पास ये है, इसमें भी हमारे पास दो रेखाएं हैं और तीसरी रेखा उसको काट रही है पी क्यू और यहाँ पे कोण बना रही है। अब आपको लग रहा होगा देखो ये कोण मतलब कमी बन रही है, 90 तो नहीं, 90 तो बिल्कुल ऐसे होंगे 90 डिग्री जिस पे लंबवत होगा, तो मान लेते हैं कि ये हमारा बन रहा है 70 डिग्री और ये बन रहा है हमारा 50 डिग्री। तो तीसरे केस में थीटा वन प्लस थीटा टू क्या होगा, 70 प्लस 50 यानी के 120 डिग्री, जो कि छोटा होगा 180 डिग्री से, ठीक है। अब हमारे पास ये तीन कंडीशन है, ये तीन केस हमें मिलके आए हैं। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इसमें कोणों का योग जो है वो 180 है, इसमें कोणों का योग 180 से ज्यादा है, इसमें कोणों का योग 180 से कम है। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारी अभिधारणा है वो क्या कहती है। यदि एक सीधी रेखा मतलब ये पी क्यू दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, दो सीधी रेखाएं मतलब ए बी और सी डी, इन पर गिरकर अपने एक ही योग मतलब एक ही योग या तो इधर या फिर इधर
दो अंत्य कोण ये हमारे अंत्य कोण होंगे। इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग दो समकोणों से कम हो। ठीक है, जो ये योग है ये क्या हो, दो समकोणों से कम हो, मतलब 180 डिग्री से कम हो, तो वो कौन सी कंडीशन, हमारी तीसरी कंडीशन है। तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है। तो अगर ये ऐसा है, कैसा है कि हमारे पास दो रेखाएं हैं और एक तीसरी रेखा है, जब वो उसको उसके ऊपर गिराया जाता है उसे, और वो दो अंत्य कोण बनाती है, और उन अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री से कम होता है, तो वो जो दो रेखाएं होती है इसे जब आप आगे बढ़ाओगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर आपस में मिल जाएगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, मिलती है जिस ओर वह योग समकोणों से कम होता है, मतलब इधर की तरफ, जिधर की तरफ ये जो हमारे अंत्य कोण होते हैं इनका योग दो समकोण से कम होता है, इसे हम आगे मिलाएंगे तो ये आगे कहीं ना कहीं मिलेगी। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है ये दोनों केस, मतलब हमारे इसमें क्या हो गए, गलत हो गए, इन दोनों से हमें कुछ मतलब नहीं है। हमारे जो यूक्लिड की पांचवी अवधारणा है उसके लिए हमारा ये डायग्राम बनेगा। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारी ये क्या परिभाषा है, आपको ध्यान रखना है, डायग्राम बना लो, डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आप परिभाषा लिख सकते हो। क्या लिखोगे कि एक सीधी रेखा है हमारे पास PQ, अगर उस सीधी रेखाओं को दो और सीधी रेखाओं पर गिराया जाता है, दो और सीधी रेखाएं AB और CD है, तो दो अंत्य कोण बनते हैं। अगर इन अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री से कम होता है तो ये रेखाएं कहीं ना कहीं आगे जाकर मिलेगी। किस तरफ मिलेगी, उस तरफ मिलेगी जिधर जो दो जो कोणों का योग है वो दो समकोण योग से कम होता है। तो इन्हें जब हम आपस में मिलाएंगे तो ये कहीं जाकर आपस में इस तरह से मिलेगी। इसे हम क्या कहते हैं, यूक्लिड की पांचवी अवधारणा कहते हैं। आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे बच्चों हम कि जो यूक्लिड की पांचवी अवधारणा है उसको हम समतुल्य रूपांतरण कैसे कर सकते हैं, मतलब कुछ और गणितज्ञ हुए हैं जिन्होंने कुछ और हमें अवधारणाएं बताई है जो जिनका यूज हम यूक्लिड की अवधारणा के जगह भी कर सकते हैं। बच्चों जॉन प्लेफेयर एक स्कॉटलैंड के गणितज्ञ हुए हैं जिन्होंने 1729 ईस्वी में एक एग्जाम दिया, अभिग्रह दिया, जिसका यूज हम जो हमारी यूक्लिड है उनकी पांचवी अवधारणा के जगह पे कर सकते हैं। तो जो प्लेफेयर है, जॉन प्लेफेयर है, वो क्या कहते हैं, उनका स्टेटमेंट है कि प्रत्येक रेखा एल और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु पी के लिए एक अद्वितीय रेखा एम ऐसी होती है जो पी से होकर जाती है और एल के समांतर होती है। ठीक है, अब मैं इसे बताती हूँ कैसे। इसने कहा कि हमारे पास क्या है, एक रेखा एल, तो सबसे पहले मैंने एक रेखा बना ली है, इस रेखा का नाम क्या बच्चों, एल है, और कोई बिंदु है पी, मान लेते हैं कि ये बिंदु हमारा यहाँ पे है पी। तो अब इस बिंदु, जो ये हमारा बिंदु पी है, इस पे बहुत सारी रेखाएं हम खींच सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है हम इस तरह से रेखा खींच ले, ठीक है, इस तरह से हम खींच लेते हैं रेखा, हम किधर को भी रेखा खींच सकते हैं जो बिंदु पी से होकर जा रही है, मतलब बिंदु पी से होकर जाने वाली हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये कह रहा है कि इसमें एक ऐसी भी रेखा होती है, एक यूनिक लाइन इस तरह की होती है जो बिंदु पी से होकर जाती है और जो एल है रेखा उसकी क्या होती है, वो समानांतर होती है, पैरेलल होती है। तो ऐसी रेखा कौन सी होगी, मतलब इसके समानांतर होते हुए एक रेखा खींच देंगे इधर ये, और इसका नाम क्या है बच्चों, एम। तो एक ही टाइम में, ठीक है, एक ही टाइम में एक ही रेखा ऐसी होगी जो बिंदु P से भी जाएगी और रेखा L के समानांतर होगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा जॉन प्लेफेयर जो है उनका अभिग्रहित है, बहुत आसान है, बस इतनी सी लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास कोई एक रेखा है जिसका नाम L है, कोई भी रेखा है, ठीक है, और उसके बाहर कोई एक बिंदु है, उस बिंदु से एक टाइम पर एक ही रेखा ऐसी होगी जो रेखा एल के समानांतर होगी और वो बिंदु पी से भी जाएगी। ठीक है, और आप कितनी भी लाइन खींच लो, कितनी भी रेखा खींच लो, वो बिंदु पी से तो जा सकती है लेकिन रेखा एल के समानांतर नहीं हो सकती है, एक ही बिंदु से अलग हो सकती है, हो सकता है यहाँ पे कोई बिंदु, यहाँ से आप इसके समानांतर बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं, यहाँ पे बिंदु लेके खींच सकते हैं, यहाँ पे बिंदु लेके खींच, लेकिन बिंदु पी पे, ठीक है, वो एक ही टाइम पे बिंदु पी से सिर्फ एक ही रेखा जाएगी जो रेखा एल के क्या होगी बच्चों, समानांतर होगी। तो इसका यूज हम क्या कर सकते हैं, यूक्लिड की पांचवी अवधारणा की जगह भी कर सकते हैं।
अभी तक हमने इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट समझे, अभिग्रहित या अवधारणाएं समझी, अब हम सीखेंगे कि उनसे हम क्वेश्चंस को कैसे हल कर सकते हैं। तो जब आप एग्जांपल्स करोगे तो ये सब चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। बच्चों हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि यदि ए बी और सी एक रेखा पर स्थित तीन बिंदु है और बिंदु बी ए और सी के बीच में स्थित है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी सी बराबर होगा ए सी के। ठीक है, पहली कंडीशन में ये सिद्ध करना है और ये इसका डायग्राम है कि ए और सी के बीच में बिंदु बी है। ठीक है, दूसरे में ये जो सी है वो ए और बी के बीच में है और हमें दिया हुआ है कि ए सी बराबर बी सी है और सिद्ध करना है हमें कि ए सी बराबर होगा एक बटे दो ए बी के। हमें इसमें दो क्वेश्चन हल करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है क्योंकि वो सीधे क्या दे दिया है आपको, जो यूक्लिड है उसकी अभिग्रहित एग्जाम दे दिया है, एग्जाम नंबर जो उसका फोर्थ है वो दे दिया है। वो क्या होता है, अगर दो रेखाएं परस्पर संपाती हैं, ठीक है, अगर दो रेखाएं संपाती है तो आपस में क्या होगी, बराबर भी होंगी। तो बस वही जो हमारा अभिग्रहित है वो इसमें लगा है और वो इस कंडीशन को सिद्ध कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें हमें पहले इसमें आंसर में क्या लिखना है, पहले आंसर में हमें कुछ नहीं लिखना, सिर्फ अपने हमें लिखना है यूक्लिड की, ठीक है, यूक्लिड की चौथी फोर्थ अभिग्रहित के अनुसार, अभिग्रहित के अनुसार यदि रेखाएं, यदि रेखाएं संपाती हैं तो वे परस्पर बराबर होंगी, अतः इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। देखो संपाति का मतलब क्या है कि देखो ए बी जो ए सी है, अगर ए सी की कोई हमने दूरी मान ली कि 5 सेंटीमीटर है तो जो ए सी है वो 5 सेंटीमीटर है, वो बराबर होगी ए बी प्लस बी सी के। ये हो सकता है 3 सेंटीमीटर हो, ये 2 सेंटीमीटर हो, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो संपाति होने का मतलब है कि आप इसको ए सी ऐसे जोड़ो कंप्लीट या फिर ए बी प्लस बी सी करके जोड़ो, दोनों कैसी होंगी, आपस में बराबर होगी और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये क्या है हमारा, ये यूक्लिड की चौथी अभिग्रहित है जिसमें कहा गया है कि अगर रेखाएं संपाती है तो वो परस्पर कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा है हमें उसमें सिद्ध करना है कि ए सी बराबर एक बटे दो ए बी और दिया हुआ है कि ए सी जो बी सी के बराबर है और इसमें सी जो है इनके बीच में है। ठीक है, इसका मतलब ये इसके बराबर है, ए सी बराबर क्या दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इस कंडीशन से यूक्लिड की चौथी अभिग्रहित के अनुसार इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए बी ये जो पूरी डिस्टेंस है ये बराबर होगी ए सी प्लस बी सी के, ए सी प्लस बी सी के। ठीक है, इसे हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो हमारे यूक्लिड है उन्होंने ऐसा चौथी अवधारणा उसमें अभिग्रहित में कहा है, एग्जाम में कहा है कि जो टोटल है जो हमारा पूरा जो ये ए बी होगा वो बराबर होगा ए सी प्लस बी सी के। अब हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है हमें इसमें ए सी चाहिए और ए बी चाहिए, यानी कि हमें बी सी को हटाना है इसमें, और इसमें बी सी और ए सी में रिलेशन दिया हुआ है कि जो बी सी है वो ए सी के बराबर है, तो इसकी जगह हम ए सी लिख सकते हैं। तो ए बी बराबर होगा ए सी प्लस ए सी यानी कि 2 AC, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए सी बराबर 1/2 AB, यही हमें सिद्ध करना था इसमें। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हो सकता है इसमें डायरेक्ट ही यूक्लिड की किसी अभिग्रहित के बारे में पूछ ले, अवधारणा के बारे में पूछ ले, या उसका यूज करके हम कुछ सिद्ध कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सत्य और असत्य छाटिए। सबसे पहला स्टेटमेंट है इसमें कि एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्या ऐसा पॉसिबल है, ये सही है या गलत है? अच्छा, हमने कोई एक बिंदु लिया, यहाँ पे एक बिंदु है ये, तो कैसे सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, खींच के देखते हैं। एक रेखा इस तरह से खींच सकती है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो सभी एक ही बिंदु से होकर जा रही है, तो मतलब ये क्या होगा, हमारा असत्य होगा, क्योंकि एक रेखा एक बिंदु से हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा पहला स्टेटमेंट बच्चों, असत्य होगा।
ठीक है। दूसरा, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखा होती है। अब हमने दो बिंदु ले लिए, एक यहाँ लिया और एक यहाँ लिया, तो क्या इससे बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है? ऐसा तो नहीं है, सिर्फ एक ही रेखा खींची जा रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, ये भी असत्य होगा। अगर यहाँ पे होता एक ही रेखा खींची जाती है तो ये सत्य हो जाता। एक शांत रेखा अनिश्चित रूप से दोनों ओर बढ़ाई जा सकती है, ये मैंने आपको बताया था कि जैसे ये हमारे पास एक शांत रेखा है, ठीक है, तो हम दोनों ओर इसे कितना भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी और इधर भी, ठीक है। फिर हमारे पास एक पृष्ठ के किनारे वक्र होते हैं। क्या एक पृष्ठ के किनारे वक्र होते हैं? मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ठोस का, पृष्ठ का और रेखा का और फिर बिंदु का। तो पृष्ठ, जैसे हमारे पास ये कोई पृष्ठ है, तो क्या इसके किनारे वक्र है? नहीं है, इसके जो किनारे हैं वो क्या होते हैं बच्चों, रेखाएं होती है, ठीक है। ये हमने बताया था कि जो कोई भी पृष्ठ है, पृष्ठ किससे मिलकर बना होता है? रेखाओं से मिलकर बना होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जैसे टेबल है, टेबल के जो किनारा होगा वो क्या होगी, वो एक रेखा होगी। या हमारे पास पेज है, जो कॉपी का पेज होता है, उसका जो बाउंड्री होगी वो क्या होगी, एक रेखा होगी, किनारा उसका एक रेखा होगी। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये तो सत्य है तीसरा वाला, और ये जो हमारा एक पृष्ठ के किनारे वक्र होते हैं, ये क्या है, ये असत्य होगा, क्योंकि वो क्या होती है, रेखाएं होती है। एक पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है, वक्र नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, यूक्लिडियन ज्यामिति केवल वक्र पृष्ठों के लिए मान्य है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ रेखा के बारे में हमें बताती है। जो यूक्लिड है वो हमेशा हमें क्या बता रहे, बिंदु, रेखा, पृष्ठ, इनके बारे में बता रहे हैं, किसी भी वक्र आकृति के बारे में वो नहीं बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, तो ये क्या होगा, असत्य होगा। आगे हमारे पास निम्न चित्र में, ये हमें चित्र दिए हुए हैं, यदि ए बी बराबर पी क्यू है, ये ए बी जो रेखा है पी क्यू के बराबर है और पी क्यू जो है वो एक्स वाई के बराबर है, तो क्या ए बी और एक्स वाई बराबर होगी? ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या ये इसके बराबर होगी? होगी। क्यों होगी? यूक्लिड ने बताया था, यूक्लिड ने बताया था, एक एग्जाम दिया था कि अगर इस तरह की कंडीशन हो तो वो आपस में भी बराबर होती है। अगर ए बराबर बी हो, बी बराबर सी है, तो ए सी के भी बराबर होगी। तो इस चैप्टर में इस तरह से वो आपको कथन दे सकता है, चाहे वो असत्य हो सकता है और सत्य भी हो सकता है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किसे हम पृष्ठ कहेंगे, किसे हम रेखा कहेंगे, बिंदु क्या होता है, रेखा को हम कितना बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो इस सब से हम इनके आंसर दे सकते हैं। बच्चों इस चैप्टर से हमें इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कुछ पदों को दे दे और उससे हमसे पूछा जाए कि उनको परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। इसमें पहला है समांतर रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदक और समवर्ती रेखाएं क्या होती है, लंब रेखाएं क्या होती है, तो हमें इन्हें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों समांतर रेखाओं की। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस क्या होती है? तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो एक ही समतल पर बनी दो रेखाएं जो परस्पर कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती या फिर एक दूसरे को वो प्रतिच्छेद नहीं करती है, मतलब उनका कोई भी समान बिंदु नहीं होता। जैसे एक मैंने यहाँ पे एक रेखा खींची, ये L, और दूसरी एक रेखा खींची M, तो ये दोनों क्या होंगे बच्चों, इन्हें हम कहेंगे समांतर रेखा है। समांतर रेखा है क्यों? क्योंकि ये कभी भी आपस में मिलेगी नहीं। अगर हम इनको इस तरह से मिलाना चाहे तो ये मिलेगी नहीं, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, ये भी आगे बढ़ती चली जाएगी। और ऐसा कब संभव है? ऐसा तब संभव है जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एक जैसी होगी। अगर मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस एक्स है, तो यहां से यहां तक की भी एक्स ही होगी। तो जब दो रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, एक जैसी होती है, तो वो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, मतलब वो कहीं पर भी जाके, इधर या उधर कहीं पर भी जाके आपस में एक दूसरे को नहीं काटेगी। और जब वो रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, समांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। समांतर रेखा है पैरेलल लाइन, दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, बीच की दूरी बराबर होती है और वो एक दूसरे को नहीं काटती है। तो और दूसरा है हमारा प्रतिच्छेदक, दूसरा है बच्चों प्रति
छेदक रेखाएं। प्रतिच्छेदक रेखाएं क्या होती है, नाम से क्लियर हो रहा है कि एक देश एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है ना। जब दो रेखाएं एक ही समतल पर बनी दो रेखाएं जो परस्पर एक बिंदु पर, या आप लिख सकते हैं एक समान बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। आप पूरी डेफिनेशन लिखेंगे इसकी कैसे, कि एक ही समतल पर बनी ऐसी दो रेखाएं जो परस्पर एक समान बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, मतलब इनमें एक बिंदु होता है जो दोनों में समान होता है। जैसे एक मैंने रेखा ली ये और दूसरी रेखा ली ये, तो ये एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है। मान लेते हैं ये P है, तो इस P को हम क्या कहेंगे बच्चों, समान बिंदु कहेंगे, दोनों में जो कॉमन है समान है और एक दूसरे को इस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं काटती हैं, तो इन दोनों रेखाओं को हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदक रेखाएं कहते हैं। ठीक है, समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती है, प्रतिच्छेदक रेखाएं जो एक दूसरे को काटती है एक कॉमन पॉइंट पर। ठीक है, तो ये दोनों माय डेफिनेशन हुई। तीसरा है हमारा समवर्ती रेखाएं और लंब रेखाएं। पहले बताती हूं मैं आपको समवर्ती रेखा, समवर्ती रेखाएं क्या होती है। तो बच्चों समवर्ती रेखाएं वो रेखाएं होती है जब एक ही बिंदु से हम तीन या तीन से ज्यादा रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, एक ही बिंदु से या एक ही समान बिंदु से तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक खींची गई रेखाएं क्या कहलाती है बच्चों, समवर्ती रेखाएं कहलाती हैं। समवर्ती रेखाएं कहलाती हैं। कैसे, देखो मैंने एक बिंदु लिया यहां पे, ये एक बिंदु है, तो इस बिंदु से एक तो हम ऐसे सीधी लाइन खींच सकते हैं, एक इस तरह से खींच सकते हैं, दूसरी हम ऐसे खींच सकते हैं, इस तरह से खींच सकते हैं, इस तरह से, मतलब हम इससे बहुत सारी असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो जब अगर ये कंडीशन आए कि तीन से ज्यादा है, एक ही बिंदु से तीन या तीन से ज्यादा रेखाएं खींच रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम समवर्ती रेखाएं खींचे कहेंगे। अगर सिर्फ दो ही खींच रही है एक बिंदु से, एक ये है एक ये है, तो ये तो क्या है, प्रतिच्छेदक है। ठीक है, दो तक है तो प्रतिच्छेदक है, और दो से ज्यादा आ गई है, एक और आ गई है, तो अब इसे हम कहेंगे समवर्ती रेखा है। ठीक है, और ज्यादा आएगी तब भी वो क्या रहेगी, समवर्ती रेखाएं होगी। तो समवर्ती रेखाएं वो रेखाएं होती है जिसमें एक बिंदु से एक से ज्यादा रेखाएं खींची जा सकती है, और उन सभी रेखाओं का एक ही समान बिंदु होगा, और इसमें क्या है बच्चों, वो पी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लंब रेखा है। लंब बच्चों, लंब रेखाएं वो रेखाएं होती है जो परस्पर मिलने पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। कैसे बनाएगी भाई, एक हमारे पास ये रेखा है और दूसरी हमारे पास इस पे बिल्कुल लंबवत ये रेखा होगी, तो जब ये दोनों रेखाएं आपस में मिलकर क्या बनाएगी, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो इन दोनों रेखाओं को हम कहेंगे लंब रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस कहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे ये चार डेफिनेशन पूछी गई थी। सबसे पहले समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं जो आपस में कभी भी नहीं मिलती और उन दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। प्रतिच्छेदक रेखाएं जब वो एक किसी कॉमन पॉइंट पर मीट करती है, मिलती है, इंटरसेक्ट करती है, उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। समवर्ती रेखाएं जब एक ही बिंदु पर तीन से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा रेखाएं आकर मिल रही है, तो उसको हम समवर्ती रेखाएं कहते हैं। लंब रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है, और उन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण होता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। बच्चों इस चैप्टर में कुछ अभी क्वेश्चन हमने किए, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।